निगम की बोर्ड की बैठक न होने की वजह से पार्षद काम नहीं कर पा रहे, जनता पार्षदों को कोसती है और अधिकारी सुनने। आज हम नगर निगम कोटद्वार में मौजूद हैं, जहां समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और समस्या के ऊपर भी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि वार्ड मेंबर जो पार्षद हैं उन्हीं को अपनी समस्या को लेकर आयुक्त के पास आना पड़ रहा है, जब पार्षद की कोई बात नहीं सुन रहा। ऐसे में समस्याएं कैसे दूर होंगी, ये भी बड़ा सवाल है। और आम जनता, आम लोग भी यहाँ पर पार्षद के नेतृत्व में और आयुक्त जी से मिले और आश्वासन सोच रहे हैं कि गली की सफाई हो जाए। जिस तरह से आवारा पशु लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं, रोज दुर्घटनाएँ हो रही हैं और तब भी ना नगर निगम चेतरा है, ना आयुक्त के कानों में जू रह रही है। कोई भी अधिकारी कोई भी ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। सिर्फ ऐसा लगता है कि अधिकारी कर्मचारी सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं और कोई भी जनता की सुध नहीं ले रहा। 15 दिन हो गए हमारी गली में कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, सांड गाय सब कुत्ते सुअर सबों ने आतंकूट बनाया। कौन कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर 14 से आ रखी हूँ। मेरा नाम श्रीमती आशा खंतवाल है। हम लोग बहुत परेशान हैं नगर निगम से, जब से मतलब ये दूसरा स्वीपर लगाए इन लोगों ने। इससे पहले विद्यावती हमारे वार्ड में, जब से इन्होंने स्वीपर चेंज करा इसने इतना परेशान करा हुआ है, 14 दिन में एक बार आ रहा है। हमारी भी वही समस्या है सफाई की, नालियों में वो झाड़ू लगा के रेत भर देती है और फिर पानी रुकता है बरसात में। और जो खाली प्लॉट है ना, अब जब कूड़ा वाला नहीं आएगा तो लोग डालेंगे खाली प्लॉट में, उसकी सफाई नहीं करती। कोई गाड़ी वाड़ी आई ना तो वो उसमें जाल में अड़ जाता है, और मैंने तो लिखित भी दी थी, कोई असर नहीं पड़ा। आज वार्ड नंबर 14 की जनता जो है यहाँ पे आई है और आशा चौहान के नेतृत्व में, और हम अपने वार्डों की समस्या भी लेकर आए हैं और सफाई व्यवस्था भी चौपट है। और कई बार हमारे द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में जो है क्या सुना, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था जो है चौपट है। नहीं, माननीय पार्षद लोगों ने आज शहर की सफाई को लेके कुछ ज्ञापन दिया है। मैं जानता हूँ कि कुछ शहर में शायद हम लोग सफाई का मारे जो सफाई कर्मचारी नहीं पहुँच पा रहा है, मैं इसको दिखवाता हूँ कहाँ हमारी सफाई कर्मचारी नहीं पहुँच पा रहा है।